Is today we are going to study our EVS book and chapter number 4, water. Matlab pani. Let's start. All living things need water to stay alive. Jo bhi zinda vastuye hain, unko pani ki zarurat hai taki wo zinda reh sakein. How do you feel when you go do not drink water for 2 or 3 hours? Aapko kaisa lagta hai jab aap pani nahi peete 2-3 ghante? We need water every day for various uses. हमें हर रोज पानी चाहिए उनके अलग अलग चीजों में बरतने के लिए, यूज करने के लिए. Animals and plants also need water. पौधों को और जानवरों को भी पानी चाहिए. We need water for drinking. हमें पीने के लिए पानी चाहिए. We need water for bathing. हमें नहाने के लिए पानी चाहिए. We need water for cooking. हमें पकाने के लिए अपना भोजन पानी चाहिए. We need water for washing clothes. हमें कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए. We need water for cleaning utensils. हमें बर्तन साफ करने के लिए पानी चाहिए. We need water for putting out fire. तो हमें आग बुझाने के लिए भी पानी की जरूरत है. Move to our next page. Animals need water for drinking and bathing. जो जानवर है उनको पानी नहाने के लिए और पीने के लिए चाहिए. Many animals live in water. और कुछ जानवर तो पानी में ही रहते हैं. Plants need water for growing. तो plants को पानी क्यों चाहिए? फैलने के लिए, बढ़ने के लिए. They get water from the soil. वो मिट्टी से पानी लेते हैं. Many plants grow only in water. और कुछ पौधे पानी में ही बढ़ते हैं. Sources of water. कहाँ कहाँ से पानी मिलता है हमें? We get water from many sources. हमें बहुत सारी चीजों से पानी मिलता है. The main source of water is rain. बारिश सबसे main चीज है, मुख्य चीज है जहाँ से हमें पानी मिलता है. When it rains, the rain water goes into rivers, lakes, ponds and seas. जब बारिश होती है जो पानी है बारिश का वो कहाँ चला जाता है? तालाबों में, नदियों में और जो पॉन्ड्स हैं उनमें चला जाता है. रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज आर द अदर सोर्सेज ऑफ वाटर. जो ये रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और सी हैं, ये भी सोर्स हैं पानी के. हमें यहाँ से भी पानी मिलता है. सम रेन वाटर गोज डीप इनटू द ग्राउंड. जो कुछ पानी है वो धरती के नीचे चला जाता है. दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. जिसको क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं. वी गेट ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंडपंप. तो हम कहाँ से ग्राउंड वाटर कैसे यूज कर सकते हैं? बेल्स जो कुएं हैं उनसे, ट्यूब बेल्स लगी होती हैं उनसे मिल जाते हैं, हैंड पंप्स में जो वहां से मिल जाते हैं. तो ये रेन का पानी है, रिवर्स और लेक. ये बारिश हो रही है फर्स्ट पिक्चर में. सेकंड पिक्चर में उन्होंने रिवर, नदी दिखाई हुई है और फिर तालाब दिखाया हुआ. लेक इसको कहते हैं, तालाब को कहते हैं. मूव टू अवर नेक्स्ट पेज. तो फर्स्ट पिक्चर में आपको पॉन्ड दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे कुई आपको वेल दिखाई दे रही है और ये हैंडपंप. ड्रिंकिंग वाटर. वी शुड ऑलवेज ड्रिंक अ क्लीन वाटर. हमें साफ पानी पीना चाहिए हमेशा. डर्टी वाटर कैन मेक अस इल. जो खराब पानी, गंदा पानी है वो हमें बीमार कर देगा. वी शुड फर्स्ट बॉयल द वाटर एंड देन यूज इट. तो सबसे पहले हमें पानी को उबालना चाहिए और फिर उसको यूज करना चाहिए, पीना चाहिए. बॉइल्ड वाटर इज सेफ टू ड्रिंक. ये सुरक्षित है हमारे लिए गर्म पानी पीना, उबला हुआ पानी पीना. टैप वाटर इन आवर हाउसेस इज आल्सो सेफ टू ड्रिंक. जो हमारे घरों में टैप वाटर आता है, नल से पानी आता है, वो भी पीने के लिए साफ है. डू नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए. वाटर इज सो इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लाइफ. बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की, इसीलिए हम इसको जिंदगी भी कहते हैं. सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. तो हमें पानी को खराब नहीं करना चाहिए. टेक एज मच वाटर एज यू नीड. उतना ही पानी लेना चाहिए जितनी आपको जरूरत है. टेक अ शॉर्ट बाथ. बहुत थोड़े पानी से नहाना चाहिए. टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज.
नल को बंद कर देना चाहिए जब हम उसको यूज नहीं कर रहे, स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर्स, तो जो पानी है वो हमें साफ बर्तनों में स्टोर करना चाहिए, जमा करना चाहिए। ओवरहेड टैंक, तो इसको जो पिक्चर देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ओवरहेड टैंक। ये बकेट है, इसको जग कहते हैं, ये पॉट है और ये बॉटल है। तो इन चीजों में हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए। मूव टू अवर नेक्स्ट पेज। नाउ अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, क्लोथ्स। क्लोथ्स मींस कपड़े। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हमें कपड़ों की क्यों जरूरत है, ताकि हम अपने शरीर को ढक सकें। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। जो कपड़े हैं वो हमें कहाँ से, किससे बचाते हैं, गर्मी से, ठंड से, बारिश से और धूल मिट्टी से। दे मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। ये हमें स्मार्ट दिखने में और सॉबर दिखने में, आम इंसान दिखने में मदद करते हैं। लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ दैट यू वियर। तो हमने जो अलग अलग तरह के कपड़े जो पहनते हैं उनकी पिक्चर्स देखते हैं। सॉक्स, ट्राउजर, कोट, स्कर्ट, शर्ट, साड़ी, पजामा, कुर्ता, टाई, फ्रॉक। वी वियर कलरफुल एंड फैंसी ड्रेसेस ऑन वेडिंग, बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स। व्हाट डू यू वियर ऑन योर बर्थडे? कहते कि हम पूरे रंग बिरंगे और अच्छे सुंदर कपड़े, चमकीले कपड़े कब पहनते हैं, जब किसी की शादी हो, बर्थडे हो, किसी का जन्मदिन हो, कोई शादी हो या कोई त्योहार हो। तो कहते हैं कि आप अपने जन्मदिन पे आपने क्या पहना था। अब मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर। सम पीपल वियर क्लोथ्स दैट शो व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू। सच क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। कहते कुछ लोग हैं एक तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसा वो काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। सोल्जर, देखो सोल्जर की ये यूनिफॉर्म है, ये पुलिसमैन की यूनिफॉर्म है, ये पोस्टमैन की यूनिफॉर्म है, ये नर्स की यूनिफॉर्म है और ये डॉक्टर की यूनिफॉर्म है। वी ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म इन आर स्कूल। तो हम भी एक ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, वर्दी पहनते हैं अपने स्कूलों के लिए। अब हम बात करेंगे ड्रेसिंग मैनर्स की। ड्रेसिंग मैनर्स में क्या आता है कि हमें कौन कौन से तरीके से अपने कपड़ों को पहनना चाहिए। ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन ड्रेसेस। जो हमारे कपड़े हैं वो हमेशा साफ और सुंदर हो, साफ और सुंदर होने चाहिए। डू नॉट प्ले इन डर्टी प्लेसेस। जो गंदी जगह है उन पे हमने हमें नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच योर क्लोथ्स विद डर्टी हैंड्स। गंदे हाथों से अपने कपड़ों को नहीं छूना चाहिए। ऑलवेज वियर लूज ड्रेसेस। थोड़े से खुले कपड़े पहनने चाहिए। कीप योर टाई एंड सॉक्स क्लीन। आप अपनी टाई को और अपनी सॉक्स को साफ रखना चाहिए। वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एट डिफरेंट डेज इन आर ईयर। तो हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं साल में अलग अलग दिन। वी वियर कॉटन क्लोथ्स ऑन अ हॉट डे। तो हम कॉटन के जो क्लोथ्स हैं, जो रेशम के धागे से नहीं बने हुए, कॉटन कपास के जो से बनते हैं जो क्लोथ, उसको कब पहनते हैं, गर्म दिनों में पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स कीप अस बॉडी कूल। तो जो कॉटन के कपड़े हैं वो हमारे शरीर को क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं। दे ऑल ऑल्सो अब्सॉर्ब स्वेट फ्रॉम आर बॉडी। तो जो हमें पसीना आता है वो भी सोख लेते हैं वो कॉटन क्लोथ। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। तो हम कॉटन कहाँ से लेते हैं, कपास से लेते हैं। कपास को क्या कहते हैं, कॉटन प्लांट। मूव टू अवर नेक्स्ट पेज नाउ। वी वियर रेनकोट ऑन अ रेनी डे। जब बारिश के दिन होते तब हम रेनकोट पहनते हैं। वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेलाज ऑन अ रेनी डे। जब बारिश होती है तब हम अम्ब्रेलाज यानी कि छतरी यूज करते हैं। रेनकोट्स एंड अम्ब्रेला कीप अस ड्राई। तो वो भीगने से हमें बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। तो वो हमें बारिश से बचाते हैं।
केयरिंग फॉर क्लोथ्स, हम अपने कपड़ों को कैसे संभाल के रखें। यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर क्लोथ्स, हमें अपने कपड़ों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वॉश योर क्लोथ्स विद गुड डिटर्जेंट, अच्छे जो डिटर्जेंट हैं उनसे हमें अपने क्लोथ्स धोने चाहिए, यानी कि जिसको आप सर्फ कह देते हो। आयरन योर क्लोथ्स रेगुलरली, उसको प्रेस करने चाहिए क्लोथ्स को। कीप योर क्लोथ्स इन अ शेल्फ और अ कवर, तो अपने जो कपड़े हैं आपने जो अपने क्लोथ्स हैं उनको शेल्फ पे या कबर्ड, यानी कि अलमीरा में, अपने कोई भी वुडन कबर्ड्स में रख सकते हो। लेट अस रिवाइज, तो हम रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, हमें कपड़े क्यों चाहिए, ताकि हम अपने शरीर को ढक सके। वॉश योर क्लोथ्स विद गुड डिटर्जेंट, तो हमें अपने जो कपड़े हैं वो अच्छे डिटर्जेंट से धोने चाहिए। ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन ड्रेसेस, हमें साफ सुंदर ड्रेसेस पहननी चाहिए। क्लीन योर क्लोथ्स, कीप योर क्लोथ्स इन अ शेल्फ और अ कबर्ड, तो आप अपने कपड़ों को कबर्ड्स में, अपने अलमीरा में रख सकते।